नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में ना मैं अपनी YouTube इनकम रिवील करूंगा आपके सामने, और साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो मेरे लाइफ में हुई थी। और अगर आप YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो क्या आपको फुल टाइम YouTube स्टार्ट करना चाहिए, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें मेरे से गलती हुई थी वो आप ना करो। तो हर एक चीज़ें मैं ना आपको आज ट्रूथफुल रह के बताऊंगा, क्योंकि बहुत दिन से कमेंट आ रहा था और मेरी ऑडियंस लाइक मेरी फैमिली है, तो मेरे को जितना उनसे ओपन हो सकूँ तो उतना मेरे लिए भी अच्छा रहता है। तो गाइस, पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। तो गाइस, बहुत लोग जो मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो उनको पता होगा, लाइक मैं भी एक नॉर्मल जॉब करता था, एक DHL कंपनी है, DHL लॉजिस्टिक ओशन के लिए मैं काम करता था, कनाडा इंपोर्ट के लिए, जो इंडिया में ही है मतलब, तो वो करता था। तो मेरी सैलरी भी 13,800 रुपये थी जब मैंने ज्वाइन किया था BMS कंप्लीट करने के बाद। तो उसके बाद में एक दो साल करने के बाद वो 17-18 हज़ार तक पहुंची थी, और मुझको ना ट्रैवल का बहुत शौक़ था। तो मेरी फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल हुई थी, मैं फ़र्स्ट कंट्री ट्रैवल किया था सिंगापुर और फिलीपींस, तो ये कंट्री ट्रैवल किया था। और उसके बाद में मैं वापस वो कंट्री गया था, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। जब मैं ये कंट्री जाके आया ना, तो मुझे ना बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी। तभी ना यूट्यूब पे इतना कुछ था नहीं ट्रैवल ब्लॉगिंग का, तभी खाली ना माउंटेन ट्रैकर जी का यूट्यूब चैनल था जो ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। और जब मैं प्लान कर रहा था कि मैं भी, तो हाँ, माउंटेन ट्रैकर जी का यूट्यूब चैनल था। और उसके बाद में ना, जब भी आपने मतलब ट्रैवल इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए रहता था ना, तो कोई इतना मिल नहीं पा रहा था। और आप किसी एजेंट के पास जाते थे ना, तो एजेंट ना आपको ना 2 का 4 रुपया मांगते थे, और ना इन्फॉर्मेशन भी बरोबर नहीं दे पाते थे, कि मतलब आपको बोलते थे कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे, आपको ये डिफिकल्ट, मतलब डरा देते थे इनडायरेक्टली, तो आप उनसे पैकेज खरीदो। और ये तो जब मैं ये तीन जब दो पहले सिंगापुर फिलीपींस गया, फिर सिंगापुर फिलीपींस थाईलैंड गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो गया, और मैं बोला कि मैं भी ना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूँ। और जब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा था, तभी ना खाली यूट्यूब चैनल पे माउंटेन ट्रैकर, और उसके बाद में नोमैडिक इंडियन और यात्री डॉक्टर, हम तीन और मैं एक प्लान कर रहा था कि मतलब मैं भी स्टार्ट करता हूँ, हमारे 4 लोग ही थे। तो मैं बोला कि ज़्यादा यूट्यूब पे कंपटीशन भी नहीं है ट्रैवल ब्लॉगिंग में, और बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी। और तब इंडिया में ना कोई ना पार्टी ब्लॉग्स बनाना बनाता नहीं था, और मोस्टली मतलब ना मैं देख रहा था कि मैं ट्रैवल कर रहा था, कि मेरे को लगा कि मेरे को भी नाइट लाइफ क्लबिंग जाता हूँ, मेरे को ऑडियंस भी बताना चाहिए कि लोगों से कैसे मिलना चाहिए, वहाँ पे कैसे नए दोस्त बना सकते हो, हॉस्टल में भी रह के हॉस्टल कल्चर भी बहुत अच्छा रहता है। तो फिर मैंने बोला कि मैं बनाऊँगा, शायद मैं YouTube चैनल क्रिएट करूँगा और मैं ये अपनी जर्नी कवर करूँगा। तो मैंने बोला कि अगर मैं एक दो कंट्री बनाऊँगा ना, तो लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि लाइक मेरा अपीयरेंस भी ऐसा नहीं है कि लाइक मैं कोई रहता ना कि सेलिब्रिटी एक्टर जैसा एकदम पर्सनैलिटी है, नहीं, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। तो मुझको ना मतलब ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि मतलब मेरे को खुद के ऊपर ना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा। और मतलब कि मेरा एक नेचर है कि लाइक मैं थोड़ा ना लोगों से मिल लेता हूँ, एक फ्रेंडली नेचर, तो मेरे को लगा था कि मतलब अगर मैं बनाऊँगा तो ये हिट होगा, और इतना कंपटीशन भी नहीं है। और तो ये सोच के ना फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और मैंने ना 7 कंट्रीज क्रिएट की, मतलब 7 कंट्रीज़ की ना जर्नी स्टार्ट की, जिसमें थी मलेशिया, पहले मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, हांगकांग, फिलीपींस, ये 7 कंट्री की जर्नी स्टार्ट की। जो एक एक कंट्री में मतलब 30 दिन की छुट्टी लेके गया था, और उसमें ना हर कंट्री में मैं दो से तीन दिन रुका था, और ना उसको पूरा कवर किया था, कवर मतलब पूरा तो हुआ नहीं था, मैं थोड़े थोड़े पार्ट कवर किए थे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं रशिया से, और जो भी लोग अभी प्लान कर रहे हैं रशिया जाने के लिए, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि गाइस अभी ना रशिया के अंदर ना एक फेस्टिवल होने वाला है जिसका नाम है सी फूड वीक इन मॉस्को फेस्टिवल। ये फेस्टिवल ना गाइस जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है फेडरल एजेंसी ने फॉर फिशिंग। और गाइस, इस फेस्टिवल में ना जो लोकल लोग हैं और जो भी गेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना आपको ना गाइस मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिशेस ऑफ सी फूड ट्राई करने को मिलेगा, वो भी बेस्ट रेस्टोरेंट से। और इसके साथ आप फ्रेश सॉल्टेड फिश भी बाई कर सकते हो, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे, मतलब ना महंगा नहीं, सस्ते में आप ना वहाँ पे खरीद सकते हो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस। और गाइस, ये फेस्टिवल ना 26 मई से लेके 6 जून तक है, और गाइस इसके अंदर ना आप ना बहुत सारे फिशेस तो ट्राई कर सकते हो, उसके साथ में ना एजुकेशनल मास्टर क्लासेस होता है, तो गाइस वहाँ पे जाके ना आप सीख सकते हो कि इसको कैसे खाया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है। और साथ में ना बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होने वाले, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हो इस फेस्टिवल में। और यहाँ पे ना ड्रैगन बोट रेस होने वाला है जो बहुत ही फेमस है। इसके अंदर कैसा होता है कि ना इतना दोनों साइड जो भी गेस्ट आएंगे वो बैठेंगे, और बीच में ना बोट रेस होगा, वो आप एंजॉय कर सकते हो। और साथ में ना SUV रेगेटा, मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे सर्फर्स ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कॉम्पिटिशन में। अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना सर्फिंग में, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो इसको विदाउट चार्जेस, मतलब इसके लिए भी चार्जेस नहीं है, तो आप भी सर्फिंग में
कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हो। और गाइस इस वेन्यू पे जो भी आप प्रोडक्ट देखोगे ना, वो ना सब ना स्पेशल प्लेस से मंगाया गया है, लाइक योकोतिया और उसके बाद में मुरमांग्स और उसके बाद में पैसिफिक रीजन से, जो टोटली फ्रेश रहेंगे। आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, खा सकते हो और उसके बाद में आप ना वहाँ से परचेज कर सकते हो ये सब प्रोडक्ट। अगर गाइस आपको ना इवेंट के बारे में और डिटेल में जानना है तो गाइस मैंने ना लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो यू कैन गो थ्रू इट। तो गाइस ये इवेंट है फ्रॉम 26 मई टू 6 जून किए थे, और मतलब इन्फॉर्मेशन वीजा रिगार्डिंग उस कंट्री में आप जा रहे हो तो आपको कौन से एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए, सिम कार्ड यूज़ करना चाहिए, और हॉस्टल में रुका था और एकदम बजट ट्रैवलिंग थी। मेरे को अभी भी याद है क्योंकि मतलब वो जर्नी ना बहुत मेरे लिए भी ना मतलब ना बहुत टायरिंग थी, क्योंकि ना 3 दिन में आपको हर सिटी कवर करना, वो भी सस्ते में, इतने गर्मी हो रही है, हर जगह कैमरा अभी मैं नहीं हूँ, मतलब कुछ आता नहीं है। और जब तक मैंने चैनल का, पहले मैंने चैनल का नाम सोचा था ट्रैवल मोर स्पेंड लेस, ये नाम सोचा था। फिर मेरी जर्नी कंप्लीट हुई, घर पे आया, मैंने वीडियो क्रिएट करके रखा था, फिर मैंने बोला कि ये चैनल का नाम थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मैं इसको ना थोड़ा शॉर्ट में करूँगा। उसके बाद में बहुत सोचने के बाद में मेरे नाम ये सजेशन में आया था, मिथिलेश बैकपैकर। तो वो 7 कंट्रीज की मैंने वीडियो डाली और लोगों का प्यार मुझको इतना अच्छा मिला तो वो मतलब चैनल थोड़ा ग्रो हो गया। मतलब तब तक मेरे जब 7 कंट्रीज के वीडियो कंप्लीट हुए तो मेरे पास चैनल पे 65-70,000 सब्सक्राइबर आ गए थे, बट मेरी यूट्यूब अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम पे ना एक प्रॉब्लम आ गई थी। एक फेमस यूट्यूबर है जो US से थे, उन्होंने ना जापान फॉरेस्ट उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद में जो भी यूट्यूब नया चैनल स्टार्ट हो रहा था ना तो उनको ना मतलब ना डायरेक्टली मोनेटाइज नहीं कर रहे थे, तो वो पहले ना उनको ना लॉन्ग वेटिंग में थे। तो मेरे को याद है मेरा चैनल और यात्री डॉक्टर का चैनल को ना शायद मतलब 6 महीना हमको 7 महीने रुकना पड़ा, हमारा चैनल अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो गया, उसके बाद में हमारे चैनल को ना मोनेटाइज किया गया। और जब मोनेटाइज किया गया मतलब तब तक तो मेरे जेब से ही पैसे जा रहे थे हर ट्रैवल जर्नी के, बट जिस दिन मोनेटाइज हुआ तो उस दिन थोड़ा एक कॉन्फिडेंट आया कि चलो यूट्यूब से भी पैसे भी आ सकते हैं और मेरे ट्रैवल जर्नी में हेल्प होगी। तो उसके बाद मैंने ट्रैवल किया फिर से, लाइक कंबोडिया और फिर मैं थाईलैंड, फिर उसके बाद में गया था मैं बाली, गिरी त्रिवंगन ये सब। तो और इसमें मेरे मोस्टली पार्टी वीडियोस थे, बोट पार्टी जैसे, मतलब कोई दिखाता नहीं था कि बोट पार्टी वगैरह। तो लोगों से मिलना ये सब कवर किया था, बट उसके बाद मुझको ऐसा लगा कि मतलब मेरे YouTube चैनल पे ना खाली पार्टीज की वीडियो आ रही है तो लोगों को लगा खाली ये नाइट लाइफ क्लबिंग ही दिखाता है। तो इसके लिए उसके बाद में मैंने प्लान किया रशिया का, और रशिया में मैंने सोचा कि ज़्यादा ना मैं क्लबिंग नहीं दिखाऊंगा, मैं वहाँ पे लोगों से मिलना, लोगों से इंटरेक्शन दिखाऊंगा, हॉस्टल में हो गया, लोग इंडियन के साथ कैसे बिहेव करते। फिर उसके बाद मैंने रशिया प्लान किया और रशिया का भी मतलब ना कंट्री का वीडियोज़ भी सुपर्ब थे, लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों को बहुत प्यार मिला। और उस जर्नी के वीडियोज़ के बाद मेरे सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट मेरे चैनल पर 1.5 से 2 लाख हो गए थे। तो उस रशिया के वीडियो के बाद ना मतलब मेरे को इतना प्यार लोगों का मिला, सपोर्ट मिला ना, तो मतलब मेरा चैनल ग्रो हो गया और मुझको ना यूट्यूब से एक मतलब सर्टेन अमाउंट आने लग गया कि मतलब कि मेरे को लगा हाँ कि मतलब अभी मैं YouTube पे सर्वाइव कर सकता हूँ फुल टाइम। जो मेरी इनकम थी वो तो ज़्यादा नहीं थी, तो इसके लिए फिर मैंने उसके बाद में जॉब से रिज़ाइन किया, 1 महीने का नोटिस पीरियड वगैरह सर्व करके, और उसके बाद में मैंने प्लान किया यूक्रेन गया, यूक्रेन की वीडियोज़ भी अच्छी चली। फिर उसके बाद में यूरोप ट्रैवल किया, यूरोप की वीडियोज़ भी अच्छी चली। इंडिया ये सब हुई। और उसके बाद में मतलब ना जब तक, फिर उसके बाद में अफ्रीका ट्रैवल किया, अफ्रीका की वीडियोस तो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी, और उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया। वेलकम टू केन्या गाइस, तुम चपा चप नोट चपा नोट चपा, व्हाट इज योर नेम? बाबूजी नमस्ते। अभी कोरोना में मैं भी तो मतलब ट्रैवल नहीं कर पाया था, टाइम गैप। फिर उसके बाद में ट्रैवल हुई दुबई वगैरह सब चीज़ों।
हाँ, तो ये सब चीज़ें ऐसे चल रही थी लाइफ में। बट अभी आप सोचते होंगे कि मतलब ना मेरे को मंथली जो मेन टॉपिक है मेरे को मतलब मंथली इनकम कितनी आती रहेगी, तो गाइस मैं एज पर द यूट्यूब कम्युनिटी मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता पाऊंगा कि मतलब मेरे को यूट्यूब से अर्निंग कितनी आती है। बट यूट्यूब से अर्निंग मैं ये बोल सकता हूँ आज के टाइम पे अगर आईफोन 14 प्रो मैक्स लेते हो 1 TB वगैरह जो प्राइस है इंडिया में, तो मैं अगर मंथली इसको वीडियोज डालूँ 15 वीडियो एक दिन के गैप में, तो मंथली मैं 2 iPhone खरीद सकता हूँ उतने यूट्यूब से आ जाएंगे। अगर मैं कम वीडियो बट मैं इतने वीडियोस डाल नहीं पाता हूँ तो उससे थोड़े बहुत नीचे आते हैं कभी ऊपर आते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम भी ना अप एंड डाउन होता है, कभी कभी ना यूट्यूब की अर्निंग पूरी CPM पे डिपेंड रहती है। बट मैं बोल सकता आपको कि मंथली मेरी 2 iPhone ले सकता हूँ ऐसे इनकम आ जाती है। बट आप सोचते हो कि खाली यही पैसा आता है कि और भी कोई चीज़ है, नहीं, YouTube को जितने भी ट्रैवल ब्लॉगर्स है मोस्ट ऑफ द ट्रैवल ब्लॉगर्स या मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जिसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है ना वो होती है ब्रांड से। YouTube की अमाउंट ना इतनी ज़्यादा भी नहीं रहती कि आप उस पर टोटली डिपेंड हो, आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है ब्रांडिंग पे, क्योंकि ब्रांडिंग आप जब करते हो मंथली, फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब से आपको आ रहे 2 iPhone के ऐसे प्राइस, अगर आप मंथली 3 या 4 ब्रांड कर रहे हो और हर ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे रहता है डिपेंडेंट आप ब्रांड से कैसे नेगोशिएट कर रहे हो, क्या टाइप की ऑफ वीडियो है, कितने टाइम का लेंथ रहेगा उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ये हो गया। और उसके बाद में आती है आपको फेसबुक से, अभी फेसबुक भी इनकम दे रहा है अच्छा, अगर आप फेसबुक पेज, तो फेसबुक पेज भी मैंने रिसेंटली क्रिएट की है उससे भी इनकम स्टार्ट हुई है। और अभी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम क्रिएट करते हो तो फिर अपने इंस्टाग्राम पे ना ज़्यादा ब्रांडिंग होती है और ज़्यादा उसमें मोनेटाइज नहीं है बट ब्रांडिंग ज़्यादा होती है कि मंथली आपको अगर 10 रील मिल गए 3 महीने के लिए 10 रील के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए और ज़्यादा काम भी नहीं है उसमें, 1 मिनट का वीडियो बनाना है रील में, इंस्टाग्राम तो थोड़ा ईजी भी है, तो इंस्टाग्राम ज़्यादा आज के टाइम पे लोगों को चल रहा है। तो ये गाइस ये तो हो गए मेरे सोर्स ऑफ इनकम जहाँ जहाँ से आप पैसे कर सकते हो, पहले तो यूट्यूब और फिर उसके बाद में फेसबुक और इंस्टाग्राम। और मतलब ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप यूट्यूब अगर फॉर एग्जांपल मेरा ट्रैवल चैनल है तो मैं जितना अर्न करता ना उससे मैं मोस्टली ना 70-80% उससे ज़्यादा ना कभी कभी उसका डबल भी तो ना खर्चा ना ट्रैवलिंग में हो जाता है। फॉर एग्जांपल टिकट होटल, अभी कोरोना के बाद से ना फ्लाइट टिकट होटल वगैरह सब चीज़ें महंगी हो गई है, जब वो कंट्री में ट्रैवल करते हो फ्लाइट होटल बुक करते हो हॉस्टल बुक करते हो और फिर दिन में एक्सप्लोर करते हो टूर लेते हो तो उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं। मगर आपका मैं खुश हूँ कि मेरा ये पैशन है और मतलब मेरे खर्चे निकल जा रहे हैं, जितना मेरा खर्चा हो रहा है ट्रिप में उतना यूट्यूब से आ जा रहा है। बट अगर आप ट्रैवल अगर आज के टाइम पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहोगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मतलब ना आप अपना ना जॉब कभी छोड़ के मत करना यूट्यूब चैनल, क्योंकि यूट्यूब को अपना एज ए करियर लेना बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यूट्यूब पे। और सेकेंड कि मतलब ना आपको पता नहीं कि यूट्यूब से आपका मतलब ना, क्योंकि मेरे को बहुत लोग मैसेज किए थे जिनके सैलरी ना 2 लाख है 2.5 लाख रुपए तक है मतलब हम ना जॉब छोड़ के यूट्यूब पे, तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि आप यूट्यूब मत छोड़िए। जिस दिन आप ना मतलब यूट्यूब को साइड बाय साइड कीजिए, अगर आपको छुट्टी जब मिल रही है आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कीजिए और ट्रैवल कीजिए, छुट्टी मिलेगा तब ट्रैवल कीजिए और फिर कंटेंट बनाइए और उसको अपलोड कीजिए। जिस दिन आपको लग रहा है कि आपकी यूट्यूब अर्निंग 2 टाइम हो गई है तब आप उसको 2 या 3 टाइम तब आप उसको छोड़ सकते हो कि मतलब मेरा जॉब, बट तभी भी रिस्क है क्योंकि यूट्यूब का कुछ भरोसा नहीं होता कि मतलब आपकी वीडियोज़ को सजेशन में ना दे और आपका ग्राफ नीचे आ जाए। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा तो कि यूट्यूब को आप करियर जैसा मत लीजिए बट अपने पैशन जैसा लीजिए कि साइड बाय साइड आप छुट्टी ले कर ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा कर सकते हो, नहीं तो ये मेरा सबसे बड़ा एडवाइस रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये भी देना चाहूँगा बहुत लोगों को कि अगर वो यंग ट्रैवलर है यंग जॉब पे ज्वाइन किए हैं तो कभी भी ना क्रेडिट कार्ड से ना ट्रैवल मतलब अपने ऊपर बर्डन मत डालिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को ना प्रॉपरली यूज़ कीजिए, मैं आपको ये हमेशा सजेस्ट करूँगा। क्रेडिट कार्ड कैसा मतलब कि आपको क्रेडिट कार्ड इज़ लाइक ये ओवरफ्लो हो जाएगा, कभी कभी आपके पास 2 या 3 क्रेडिट कार्ड है, आप महीने का कमा रहे हो 20-25 हज़ार रुपये और आपके क्रेडिट कार्ड में 2 लाख रुपये है तो आप सोचोगे मैं ट्रैवल मार के आता हूँ ये वो और आपको लगता है कि मैं प्रॉपरली मैनेज कर दूंगा, बट नहीं, वो धीरे 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 इंक्रीज़ होगा। तो इसके लिए मैं आपको अवॉइड करूंगा कि ट्रैवल अगर कर रहे भी हो क्रेडिट कार्ड यूज़ भी कर रहे हो कि, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ना मिडिल क्लास से, तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि आपको प्रॉपरली यूज़ करना कि मतलब वो आप पे बर्डन ना डाले, उसको अगर यूज़ करो तो एक ट्रिप 30-40 हज़ार का कि आप पे कर सको ऐसे ही करना, नहीं तो वो आगे चल के आपके लिए एक इशू हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सजेशन रहेगा। और कंटेंट आपको यही बोलूँगा कि मतलब अभी कोई भी ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 2-4 चीज़ें ध्यान देनी है कि आपको एक कंट्री जाके रुकना नहीं है, आपको अगर ट्रैवल चैनल अपना ग्रो करना है
तो आपको एक कंट्री जाना है, फिर उसके दूसरी कंट्री जानी है, तीसरी कंट्री जानी है, चौथी कंट्री। तो ऑडियंस को लगना चाहिए कि मतलब ये बंद मतलब ये पर्सनल जो पर्सन ट्रैवल कर रहा है मतलब ये ऐसे कैपेबिलिटीज पोटेंशियल की मतलब एक कंट्री दूसरा कंट्री थी और कंटिन्यूटी है। कभी भी चैनल ग्रो होना मतलब ना कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यू वीडियोस आना चाहिए। जब आप कंटिन्यू वीडियोस डालोगे तभी आप यूट्यूब ना आपके वीडियोस को सजेस्ट करता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं ये बोलूँगा कि यूट्यूब पे आप ना अपने आपको पे करके प्रमोट करके मत कीजिए कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब में पैसे डालूंगा मेरे वीडियो सजेशन में आएंगे, नहीं। उससे क्या होगा मालूम है क्या कि जो जिसको सजेशन में आएगा ना मतलब ना वो जेन्युइन नहीं रहेगा और बहुत जन व्यूज़ खरीदते वो भी गलत है। मैं आपको बोलूँगा जो आपके रियल व्यूअर्स रहेंगे ना वो थोड़ा टाइम लगेगा। आप धीरे धीरे 10 वीडियो 20 वीडियो 30 वीडियो अच्छा कंटेंट बनाना, सबसे इम्पोर्टेंट यूट्यूब पे थंबनेल टाइटल और कंटेंट। थंबनेल लोग देखेंगे तभी ओपन करेंगे, थंबनेल और टाइटल देख के, और जब ओपन करेंगे तो कंटेंट अच्छा भी रहना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा है तो उसके बाद लोग सब्सक्राइब करेंगे, बोलेंगे हाँ मज़ा आ रहा है कंटेंट में, अच्छा लग रहा है। तो कंटेंट इज़ द किंग, मैं आपको ये बोलूँगा कि मतलब कोई और बोलेगा कि नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसा नहीं, कंटेंट इज़ द किंग। आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, लोगों से मिल रही है नए लोगों से बताइए उनके कल्चर के बारे में हर चीज़ के बारे में, तो आपको श्योरली प्यार मिलेगा। तो ये हो गया। और कैमरा के लिए भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि लोग सोचेंगे कि मैं कैमरा ये करूँ। कैमरा को ना मतलब ना आज के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट कैमरा नहीं है, कैमरा मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा बड़ा कैमरा लेना। अगर ट्रैवल चैनल स्टार्ट कर रहे हो ना आपको, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि आईफोन 14 प्रो छोटा सा रहता है, आप कहीं भी जा रहे हो कहीं भी इसको शूट कर सकते हो, उसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है और लाइक उसको बैक से आप कैसे आप कहीं भी बात कर सकते हो जेब में निकाल के, छोटा सा रहता है, गाड़ी के अंदर हो गया, क्लब जा रहे हो, नाइट लाइफ हॉस्टल जा रहे हो, किसी को अनकंफर्टेबल भी नहीं होता है। और बड़ा कैमरा लेने के बाद ना आप हर जगह निकालते हो, लोगों को लगता है न्यूज़ रिपोर्टर है, और जो जेन्युइन रिएक्शन रहता है लोगों का वो नहीं आ पाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स ले सकते हो या फिर GoPro 11 ले सकते हो, ज्यादा आप 1.5-2 लाख का कैमरा लेने का जरूरत नहीं है। और म्यूजिक के लिए आप स्टार्टिंग में ना बहुत सारी म्यूजिक NCS म्यूजिक यूज कर सकते हो, वो कैसा फ्री म्यूजिक रहता है। और जब आपका चैनल ग्रो करने लगेगा आपको पैसे आ रहे तो आप ना एपिडेमिक म्यूजिक ले सकते हो जिसका कॉस्ट रहता है लाइक $15 पर मंथ का। एडिटिंग के लिए आप एडोब प्रीमियर यूज़ कर सकते हो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और वो बहुत अच्छा है आप, मगर वो थोड़ा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि मतलब कैसे सीखना चाहिए, बट धीरे धीरे टाइम के हिसाब से ना आप एक बार यूज़ हो गया ना वो बहुत वास्ट है, तो आप ना हर टाइम ना नया नया सीखते रहोगे इसके अंदर। उसको भी पता है कि मेरे चैनल पर कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रही है, कुछ नया नहीं आ रहा है, तो मेरे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, उसकी वजह से मैं भी रुका था, मैं भी अपने आप को टाइम दे रहा था। तो अभी मैं भी अपनी टीम ग्रो कर रहा हूँ, अभी मेरी एडिटिंग टीम को मैंने हायर किया है, थंबनेल के लिए पर्सन को हायर किया है, फिर सब टाइटल के लिए हायर किया है, वेबसाइट के लिए प्रॉपरली जहाँ पे हर चीज़ इंफॉर्मेशन रहेगी वेबसाइट पे मेरे की, मतलब कौन सी कंट्री की कौन सी वीडियोस रहेगी, और उसके बाद में वहाँ पे मैं पर्सनली लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि किसी को कुछ करना है तो कोई कंट्री ट्रैवल कर रहे थे, इटनरी वगैरह चीज़ें उस पर काम कर रहा हूँ। और उसके बाद में अभी मैं नेक्स्ट तो फैमिली के साथ ट्रिप जाने वाला हूँ साउथ ईस्ट एशिया लाइक बाली वगैरह, बहुत सारी कंट्री है जो सस्ती पड़ती है कपल, वो जाने वाला हूँ। और बहुत सारी जो सोलो जर्नी भी आने वाली है आप लोगों के लिए, और मैं बहुत सारी चीज़ों में अपग्रेड करूँगा क्योंकि कैसा होता है ना कि अपग्रेड करना अपने आप को भी टाइम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग वही चीज़ देख के बोर हो जाएंगे। और ये मुझको पता है कि मतलब ये चीज़ मेरे को पता है कि लोगों को ना टाइम के हिसाब से अपने मतलब अपग्रेड होना चैनल को बहुत ज़रूरी है, लाइक कंटेंट वाइज भी, नए जगह वगैरह सब चीज़ें आना चाहिए। और मेरी एज भी जब मैंने चालू किया था 24 थी, अभी 30 हो गई, तो 24 to 30 ये मेरे लिए ना बहुत लर्निंग फेज था, इतनी कंट्री ट्रैवल करने के बाद बहुत कुछ सीखने मिला हर कंट्री में, तो मेरे अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आई है। जब आप देखोगे वो जो यंग मिथिलेश था 24 का, आज भी यंग हूँ, बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, बट वो वाली ना मतलब ना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, कहीं पर जाना पहले कैसे चिल्लाए लगे, अभी नहीं, अभी खुद को लगता नहीं यार ऐसा आराम से रहना चाहिए, तो वो भी चेंजेस आई है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब आप मैच्योर होते हो तो अपने आप को भी मतलब ना आपको फील होना चाहिए कि मतलब 24 टू 30 हो गया तो मैं मैच्योर हो गया, अभी वो एज धीरे धीरे, पर लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है। तो बट आगे ट्राई करूंगा सब आपको सबसे बेस्ट वीडियो दे सकूं, और यही था मेरा सजेशन आपके लिए कि मतलब अगर कंटेंट वगैरह के लिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी और आपको बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो मिला होगा। अगर कुछ चीज़ें लैकिंग हो रही है तो कमेंट कर सकते हो, मैं आगे वीडियो में वो कवर करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।